look here, there and yonder, the world is full of wonder. For all the where and why, hows and the when, what, where's, there's but one place worthy Achala Bharati. There's but one place worthy Achala Bharati. Hello children, come, let us now listen to an interesting Greek story. Achala Vismaya Loka, an amazing world of limitless fun, brought to you by Achala Bharati Trust. आज हम तू लोग के एगो ग्रीक कहानी सुनाए जाता ने। बहुत समय पहले के बात बा, एगो योद्धा रहे, ओकर नाम रहे यूलिसिस। उ आपन चालाकी और तेज दिमाग के कारण बहुत प्रसिद्ध रहे। 10 साल तक लगातार ट्रॉय के साथ युद्ध लड़े के बाद यूलिसिस जीत गए और एकरा बाद आपन सब आदमी के साथ में लेकर जहजवा से घर वापस लौटत रहे। बहुत सारा कठिनाई के पार करके उलू एगो द्वीप में पहुंचलन जा। वहां के निवासी साइक्लोप्स रहे। साइक्लोप्स एक तरह के राक्षस होखेला, जेकर केवल एक के आंख होखेला। वहां कोई कानून ना रहे, उ लोग कोई भी नियम कानून ना मानत रहन जा। जब भी उ लोग के मौका मिले, उ आदमी सबके मार के खा जात रहे। लेकिन यूलिसिस ई सब ना जानत रहे। यूलिसिस और ओकर आदमी सब एगो गुफा के अंदर गइलन जा। उ गुफा में खाए और पिए के बहुत सारा सामान रखल रहे। उ लोग के बहुत भूख लगल रहे। इ कारण से उ लोग मन भर के खा पी कर सुत गए जा। उ गुफा एगो साइक्लोप्स के रहे। ओकर नाम रहे पॉलीफेमस। उ आपन गुफा में आपन बहुत बड़ा बड़ा भेड़ सबके साथ रहत रहे। शाम के जब उ गुफा में वापस आ गई और उकरा बाद गुफा के दरवाजा के एक बहुत बड़ा पत्थर से ढक देलस। जब उ वापस आई, उ यूलिसिस और उकर आदमी सबके गुफा में सुतल देखलस। उ जान गई कि ओकर सब खाना ई लोग खा ले लेबा। उ बहुत गुस्सा हो गई। तुरंत ते उ दो आदमी के पकड़लस और पकड़ के खा गई। यूलिसिस पॉलीफेमस के ई व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गई। लेकिन उ पॉलीफेमस के कुछ ना कर सकत रहे। काहे से कि गुफा के मुंह पर जे बहुत बड़ा पत्थर रखल रहे, उ पत्थर के केवल पॉलीफेमस ही हटा सकत रहे। दूसरा दिन सुबह के नाश्ता में पॉलीफेमस दो और आदमी के पकड़ के खा गए। एकरा बाद उ गुफा से पत्थर हटाकर आपन भेड़वन सब के झुंड के निकाल कर गुफा के दरवाजा फिर से ऊपर पत्थर से ठक देलस। यूलिसिस और ओकर आदमी सब गुफा में कैद हो गए लंजा। यूलिसिस वहां से भागे के योजना बनालस। यूलिसिस और ओकर आदमी सब के गुफा में एगो बहुत बड़ा लकड़ी के टुकड़ा मिलल। सब मिलकर उ लकड़ी के
एक सिरा के काट काट कर नुकीला बनावलन जा। जब उस साइक्लोप्स शाम के वापस गुफा में आयल तब आपन भेड़वन सबके अंदर करके गुफा के दरवाजा फिर से ओ ही भारी पत्थर से बंद कर देहलस। एकरा बाद दू और आदमी के पकड़ कर खा गए। यही समय यूलिसिस उस साइक्लोप से बातचीत करे लगा और ओकरा के नशा होखे वाला शरबत जो आपन साथ लेले रहे ओकरा देहलस। पॉलीफेमस एकरा से पहले कब्बो ऐसन शरबत ना पीले रहे। पॉलीफेमस उस शरबत पिए के बाद नशा में थुत्त हो गए। एकरा बाद उ यूलिसिस के धन्यवाद देहलस और ओकर नाम पूछलस। तब यूलिसिस ओकरा अपन नाम बतवलस कौनो नाही। एकरा बाद साइक्लोप्स गहरा नींद में सो गए। यूलिसिस और ओकर आदमी एगो लकड़ी लेकर ओकरा जो छोर नुकीला रहे ओकरा लाल होए तक गरम कैलन जा। फिर पूरा ताकत से गरम लाल जो भाग रहे ओकरा पॉलीफेमस के आंख में घुसा देहलस। साइक्लोप्स जोर से करज कर उठ गए लेकिन अब उ अंधा हो चुकल रहे। जो दूसर साइक्लोप्स रहे उ ओकर गरजे के आवाज के सुनकर दौड़कर ओकरा पास आयल और पूछे लगलन जा, ई का भइल, कौन तुहर आंख फोड़ देलस। तब पॉलीफेमस उत्तर देल, कौनो नहीं। ई सुनकर सबे हंसे लगलन जा और आपन घर वापस लौट गेलन जा। दूसरा दिन सुबह सुबह यूलिसिस अपना आदमी सब के उजो बहुत ही विशाल भेड़ सब रहे उकरा पेट पर अपना सब आदमी के बांध कर तैयार हो गए लंजा। और जब पॉलीफेमस सुत के उठल तो उ सब भेड़वन सब के निकाले के समय छू छू कर दिखलस कि कोई उकरा ऊपर बैठल तो नहीं खे। उकरा लगल सब कुछ ठीक बा। उ भेड़ सब के गुफा के बाहर निकाल देलस लेकिन उ ई न जान सकल कि सब भेड़ यूलिसिस के एक एक आदमी के लेके बाहर चल गए। एकरा बाद यूलिसिस और उकर आदमी सब तेजी से भाग कर आपन जहाज के पास चल गए लंजा। एकरा बाद वो लोग जहाज पर चढ़ गए लंजा और समुंदर में कुछ दूर जाए के बाद यूलिसिस पॉलीफेमस के पुकार के जोर जोर से हंसे लग लंजा कि पॉलीफेमस के कौनो नाही नाम के आदमी अंधा कर देहलस और उकरा मूर्ख बनावलस। Did you like the story? Let us know your feedback in the comments section.